हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूँ सिजलिंग कृतिका। तो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं छोटे छोटे क्लिप्स लेके आई हूँ, जहाँ जहाँ मैंने पुणे में विजिटिंग किया उसके सारे छोटे क्लिप्स है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, अष्टविनायक टेम्पल है, गणेश जी का टेम्पल है, जो भीमा शंकर के थोड़े से डिस्टेंस पे पड़ते हैं, कम से कम 20 किलोमीटर या 18 किलोमीटर होंगे, जो देख सकते हैं। ये टेम्पल बहुत ही अद्भुत है। यहाँ गणेश जी का और मतलब कि सेल्फ ओरिजिनेटेड हुए थे गणपति बप्पा। तो अंदर ले जाना तो मोबाइल अलाउड नहीं था, पर आप लोग यहीं से दर्शन कर लीजिए गणपति बप्पा मोरिया। और हम चलते हैं लाल महल में। लाल महल वो शनिवार वाड़ा के पास है। मैंने मतलब एक ही बार तीन जगह घूम लिया था, बबलू भैया के साथ मैं दी थी और मेरा भाई था गौतम। तो आप देख सकते हो, ये भी बहुत अच्छी प्लेस लगी मुझे, बहुत ही अच्छी लगे। तो फिलहाल देख लीजिए, हाय कर दीजिए तो हम लोग सब लोग यही हैं। तो अब चलते हैं हम लोग शनिवार वाड़ा। ये मुझे बहुत ही अच्छा प्लेस लगा, मतलब बहुत ही अच्छा स्पेस। वाकई में बहुत बड़ा जगह है, मतलब अगर ये वाकई में उस टाइम आती जिस टाइम ये रियली में महल बहुत ही बड़ा होगा, तो शायद मैं गुम हो जाती। और आप देख सकते हो, अब मैं नीचे आ गई हूँ। तो ये लोकेशन बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बहुत ही हरा भरा और सुंदर था। ऐसे कुछ हिस्टोरिकल कुछ प्लेस बचा नहीं सब, पर कुछ हद तक ठीक था। अब मैं आखिरी बार उसी दिन आई हूँ फॉनिक्स। मतलब हम एक टाइम पे 3 बार विजिटिंग कर चुकी थी भाइयों के साथ और बहन के साथ। तो फॉनिक्स में, फॉनिक्स भी मुझे बहुत अच्छा मॉल लगा, मतलब आई मस्ट से फॉनिक्स घूमना ही चाहिए, मुझे तो बहुत ही मस्त लगा। तो बाकी यहाँ की शॉपिंग मतलब ठीक ही था, रेंज तो ठीक था। ऐसा नहीं था कि फॉनिक्स नाम मतलब ज़्यादा फेमस है तो कॉस्टली होगा, तो ऐसा कुछ नहीं। तो फाइनली अब नेक्स्ट डे हम लोग आ चुके थे जू क्योंकि पूरी फैमिली को घूमने का मन था। तो चलो चलिए अब पुणे का जू भी देख लेते हैं। तो फिलहाल तो मैं खुद को देख रही हूँ। तो हम लोग अंदर आ चुके हैं और पूरी फैमिली भी आ चुकी है, बहुत ही हम लोग खुश हैं आके। दी नहीं आई है, दी को मैं मिस कर रही हूँ क्योंकि दी का तबीयत ख़राब हो गया था। तो आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत, मतलब यहाँ कहा जाए तो गो ग्रीन और इंडिया ग्रीन, सब ग्रीन 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 हरा भरा तो वाकई में बहुत। ये मेरी प्यारी मौसी, हाय मौसी गाइस हेलो कर दो। एंड आखिरी बार ये स्वामी नारायण टेम्पल, जो वाकई में बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही मतलब जिधर भी देखिए एकदम खूबसूरती का। जस्ट बगल में पहाड़ था तो इसका कंस्ट्रक्शन इतना अच्छा था, मतलब बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन था, मुझे तो वाकई में बहुत अच्छा लगा। और इस बार दी थी हमारे साथ, पूरी फैमिली हमारे साथ थी, तो मैंने फिर से छोटी सी क्लिप बना ली। तो आप लोग को कैसा लगा सारे विजिटिंग, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और तो फिर उसी वक्त हम लोग इस्कॉन मंदिर के लिए निकल चुके और इस्कॉन मंदिर हम लोग पहुँच गए। हम लोग पहुँच के सारे फैमिली मेम्बर्स बैठ चुके थे और भजन कर रहे थे, हे कृष्ण 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 हरे हरे, हे राम 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 हरे हरे। तो मुझे बहुत ही सुकून मिला, बहुत ज़्यादा सुकून मिला। और फिर हम लोग वहाँ बाबा आए थे, प्रदीप मिश्रा बाबा, जो हम लोग के पूरे फैमिली लोग उनके देखते हैं, शिव पुराण बहुत ही अच्छा बोलते हैं, मतलब वाकई में बहुत अच्छा। तो हम लोग पंडाल में आ चुके हैं और बैठ चुके हैं, सारी पूरी फैमिली आए थे इस बार, क्योंकि जस्ट पास में ही पुणे में आए थे, तो ये चांस कैसे मिस कर सकते हैं प्रदीप मिश्रा जी से मिलने के लिए। पंडित जी बहुत ही अच्छे हैं, मतलब वाकई में सारे फैमिली लोग बैठे हुए हैं। अभी स्टार्टिंग नहीं हुआ है, तो फिलहाल मैं पंडाल का कुछ लोकेशन दिखा दे रही हूँ, क्योंकि देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अभी से ही भीड़ हो गया था, जबकि 1 घंटे पहले ही हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। तो अभी उतनी नहीं हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ चुकी थी। हम लोग तीसरे पंडाल में थे और पंडित जी आ चुके हैं, बाबा आ चुके हैं, बाबा की एंट्री हो चुकी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
और ये मेरी लास्ट क्लिप है जो महाबलेश्वर की है, जो हम लोग गए थे। मुझे यकीन नहीं था यहाँ का व्यू इतना खतरनाक है, मतलब आउट स्टैंडिंग व्यू है। मतलब व्यू के साथ ये हवा हवा के वजह से तो मत पूछिए, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, अनएक्सपेक्टेड ठंड थी। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैं ये व्यू को दिखाने के लिए मैं सोच रही थी कि कब आप लोगों के सामने लाऊं। ये व्यू वाकई में बहुत मस्त है। और सबसे अच्छा, पास में एक झील था, वहाँ हम लोग फिर कार पार्किंग करके और हम लोग फिर से वहाँ से एक झील की भी लोकेशन मैंने ले लिया। झील वाकई में बहुत खूबसूरत था। और हम लोग ये देखिए, मेरे बाबा का मंदिर महाबलेश्वर, यहाँ की ठंड मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने हर हर महादेव महाकाल का शर्ट पहन के आई थी। पता रहता तो कुछ ज़रूरी पहन लेते, लेकिन अब खुशी के मारे कहाँ गर्मी कहाँ ठंड लगती है। आई एम सो एक्साइटेड कि फाइनली हम बाबा के पास आ गए। बहुत ही खूबसूरत थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और हम लोग देख सकते हैं यहाँ बहुत ही ठंड है। हम लोग की हालत बिगड़ी हुई है, अभी दी को दिखाते, दीदी की ज़्यादा ही हालत बिगड़ी हुई है। जी तू आ जाओ इधर, देख सकते हैं बड़ी ठंड है बाबा। तो देख सकते हैं। तो ठीक है गाइस, आप लोग अब ख्याल रखिए, ठंड तो हमने लग गई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मेरी वीडियोज़ कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, और डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।